सब्सक्राइब कीजिए बायोग्राफी एंड फैक्ट्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को तो आप जानते ही होंगे। ये एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। क्रिकेट में बहुत से रिकॉर्ड इनके नाम हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को बिहार के रांची शहर में हुआ था, जो कि अब झारखंड में है। उनके पिता का नाम पान सिंह धोनी और माँ का नाम देवकी है। वैसे तो धोनी का होम टाउन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लावली नाम के एक गांव में है, लेकिन उनके पिता की जॉब मैकॉन कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट में लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरे परिवार के साथ रांची में शिफ्ट होना पड़ा। उनकी एक बहन है, उनका नाम जयंती गुप्ता है, और एक भाई भी है जिसका नाम नरेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ने अपने शुरू की पढ़ाई DAV जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची से की थी। MS धोनी आज भले ही सफल क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बचपन में उन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल का बहुत शौक था, और उस समय तक शायद क्रिकेट का उन्होंने कुछ ज्यादा सोचा भी नहीं था। फुटबॉल की बात करें तो वे इस खेल में इतने अच्छे थे कि उन्होंने छोटी उम्र में ही डिस्ट्रिक्ट एंड क्लब लेवल पर मैचेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी फुटबॉल टीम में गोलकीपर थे और उनका गोलकीपर के तौर पर अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए फुटबॉल टीम के कोच ने उन्हें क्रिकेट में हाथ आजमाने को कहा। हालांकि धोनी ने उससे पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से सबको बहुत प्रभावित किया और कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर विकेट कीपर बन गए। क्रिकेट क्लब में उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 1997 से 1998 के दौरान वीनो मेनकन ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए चुना गया, जहां उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। MS धोनी सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन थे। वो अपने शुरुआती दिनों में लंबे लंबे बाल रखा करते थे और क्लास 10 तक उन्होंने एक साधारण तरीके से क्रिकेट खेला, क्योंकि उस समय तक उन्हें खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना था, और फिर 10th के बाद से वे क्रिकेट को ज्यादा वक्त देने लगे। लेकिन उसी समय उन्होंने रेलवे में TTE के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और वे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद धोनी ने साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक एज ए TTE काम किया। MS धोनी के साथ काम करने वाले बताते हैं कि वे एक नेक दिल इंसान थे और अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाते थे। धोनी हमेशा उनके शरारती हरकतों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, BCCI की एक टीम होती है जो छोटे शहरों से सबसे अच्छे टैलेंट को खोजने का काम करती है, और उसी टीम में से प्रकाश पोडार की नजर धोनी के अद्भुत खेल पर पड़ी और उन्होंने धोनी को नेशनल लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट कर लिया। प्रकाश पोडार बंगाल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। MS धोनी को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और ट्राई सीरीज खेलने केनिया गए, जहां पाकिस्तान की टीम भी आई हुई थी। इस सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान के 223 रनों का पीछा करते हुए उस मैच में उन्होंने अर्धशतक बनाया और भारतीय टीम को मैच जीतने में हेल्प की। अपने परफॉर्मेंस को और भी मजबूत करते हुए धोनी ने इसी टूर्नामेंट में 120 और 119 रन बनाकर 2 शतक पूरे किए। यहां पर धोनी ने 7 मैच में 362 रन बनाए। तभी धोनी के शानदार परफॉर्मेंस पर उस समय के कप्तान सौरभ गांगुली का ध्यान गया, और साथ ही साथ भारत टीम ए के कोच संदीप पाटिल ने विकेट कीपर और बल्लेबाज के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम में जगह के लिए धोनी की सिफारिश की। भारतीय टीम में उस समय पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे विकेट कीपर का ऑप्शन था, और दोनों टेस्ट अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं। लेकिन धोनी ने तब तक अपने खेल के दम पर भारत ए टीम में एक अद्भुत पहचान बना ली थी। इसी वजह से उन्हें 2004-2005 में बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में चुन लिया गया। वनडे टीम में उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और टीम में अपनी मजबूत जगह बना ली। 2007 में जब राहुल द्रविड़ ने टेस्ट और वनडे कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, तो धोनी को टीम का कप्तान बनाया गया। उसके बाद से धोनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी कप्तानी की कि 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया, और फिर 2011 में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से शादी की और 6 फरवरी 2014 को उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम जिया है। धोनी को 2008 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दोबारा जीत हासिल की। 30 दिसंबर 2014 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। उसके बाद 4 जनवरी 2017 को वनडे और T20 की कप्तानी भी छोड़ दी। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।